फ्रेंड्स, मैं मनदीप स्वागत करती हूं आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं बैकनेक डिज़ाइन आपके साथ शेयर करूंगी, जो कि सिल्क साड़ी का ब्लाउज़ है और ये जो फैब्रिक है ब्लाउज़ का वो भी सिल्क का ही है। तो देखिए, अस्तर के कपड़े को मैंने अपनी तरफ फोल्ड करके रखा है, बंद भाग को अपनी तरफ रखा है और सबसे पहले हम नीचे से एक लाइन ड्रॉ करके कपड़े को सीधा कर लेंगे। और आज जो डिज़ाइन मैं आपके साथ शेयर करूंगी 38 साइज़ का ब्लाउज़ का है और यही मेज़रमेंट जो मैं आपको बताऊंगी वो आप 36 और 37 में भी ले सकते हैं। तो देखिए, ब्लाउज़ का जितना भी लेंथ आपको तैयार रखना है उसमें 1 इंच मार्जिन का प्लस करके आप ले लें। जैसे कि मुझे 13.5 इंच तैयार रखनी है तो मैं यहाँ पर 14.5 इंच पर एक मार्क कर लूँगी। और शोल्डर का हमें मेज़रमेंट लेना है डीप नेक के अकॉर्डिंग 5.5 इंच, 5.5 इंच लिया है, नीचे से भी इतना ही मार्क करना है। और आर्म होल्स के लिए 5.25 इंच पर मार्क करेंगे हम, 5.75 इंच इस तरीके से। चेस्ट का 4th पार्ट लेंगे, 38 है तो उसका 4th पार्ट होगा यहाँ पर 9.5 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे हम मार्जिन का। 38 साइज़ का ये ब्लाउज़ है और इस तरीके से चेस्ट की लाइन बना लेंगे। कमर है 32 इंच, उसका 4th पार्ट होगा यहाँ पर 8 इंच, 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन और 1 इंच जो हम बैक पार्ट में प्लिट्स लगाते हैं उसके लिए लिया है मैंने। अब देखिए, हमें यहाँ पर क्या करना है, डीप नेक में हम आर्म होल्स की तरफ से 1/2 इंच बाहर की तरफ करते हैं और इस तरीके से तिरछी लाइन हम ड्रॉ करते हैं यहाँ पर। और इसे देखिए, आप आर्म होल्स का जो शेप होता है वो आप अच्छे से इस तरीके से बना लें। ये आर्म होल की गोलाई हमने कर ली है और अब हम इसे कट कर लेंगे। तो इस तरीके से आपको कटिंग कर लेनी है। ये जो मेज़रमेंट हमने लिया है वो डीप नेक के अकॉर्डिंग लिया है और अब इसे कट कर लेना है हमें इस तरीके से। कट करने के बाद इसे हम मेन फैब्रिक पर रख कर भी कट कर लेंगे। तो ये हमारा बैक पार्ट कंप्लीट कटिंग हो गया है और इसे मैंने मेन फैब्रिक पर रख कर भी कट कर लिया है। अब देखिए, हमें गले की जो विड्थ रखनी है वो 2.5 इंच लेनी है क्योंकि मैं इसमें डोरी लगा रही हूँ। अगर आप डोरी नहीं लगा रहे हैं तो 2 इंच या 2.25 इंच ही लें आप नेक की विड्थ। और नेक की जो लेंथ रखी है वो 10 इंच ली है, इस तरीके से हम मार्क कर लेंगे। नीचे से विड्थ 3 इंच ली है, इस तरीके से हमने एक बॉक्स बना लिया है। और देखिए, अब हमें नेक के लिए शेप ड्रॉ करना है तो नीचे से आप 2 या 2.5 इंच पर मार्क कर लें और इस तरीके से आपको शेप देना है। नीचे से मैंने 2.5 इंच पर मार्क किया है और हल्के हाथों से इस तरीके से आप नेक का शेप बना लें। ये देखिए, यहाँ पर शेप इस तरीके से, यहाँ से आप 1.25 इंच पर मार्क करें, यहाँ से 1.5 इंच पर, और फिर एक शेप आपको इस तरीके से रखना है नीचे का। ये देखिए, शेप हमने बना लिया है। तो मैं इसे इस पर कट नहीं करूँगी, हम यहाँ पर पेस्टिंग लेंगे, पेपर पेस्टिंग लिया है इस तरीके से हमने। और देखिए, पेपर पेस्टिंग जो है आपका वो ब्लाउज़ की जितनी लेंथ है उतना ही बड़ा होना चाहिए, इसके नाप से ही होना चाहिए पेपर पेस्टिंग। अब यही नेक हम इस पे ड्रॉ कर लेंगे, सेंटर में हम पिन लगाएंगे और इसके बाद देखिए नेक की विड्थ नाप लेनी है 2.5 इंच। विड्थ 2.5 इंच ली है मैंने नेक की। ये देखिए, बंद भाग से नेक की विड्थ 2.5 इंच लेनी है, नेक की लेंथ 10 इंच लेनी है और इस तरीके से 3 इंच नीचे से मार्क करना है और एक बॉक्स बना लेंगे हम इस तरीके से। और जो शेप हमने कपड़े पे बनाया था वही शेप हम यहाँ पर पेपर पेस्टिंग पे बनाएंगे। ये देखिए इस तरीके से, और साइड से भी आप चाहें तो मेज़र करके यहाँ पर 1.25 इंच और नीचे की तरफ से 1.5 इंच मार्क कर लें। ये देखिए, शेप हमने यहाँ पर बना लिया है इस तरीके से। शेप देने के बाद हम इसे कट कर लेंगे, ऊपर से गले की चौड़ाई का छोड़ते हुए 1/2 इंच और इसे कट कर लेना है हमें।
इस तरीके से हम कटिंग करेंगे। नीचे से देखिए इस तरीके से हमें कट करना है। ऊपर से गले की चौड़ाई का हाफ इंच छोड़ते हुए कट करेंगे और नीचे वाला जो डिज़ाइन का पार्ट है वो इस तरीके से रखते हुए कट करेंगे हम। तो ये जो डिज़ाइन का सेंटर पार्ट निकला है ये भी अभी आपको रखना है। तो देखिए डिज़ाइन हमारा कुछ इस तरीके से आया है और इसे हम एक्स्ट्रा फैब्रिक गोल्डन कॉन्ट्रास्ट मैंने यूज़ किया है। आप भी अपनी साड़ी या ब्लाउज़ के अकॉर्डिंग जो भी कॉन्ट्रास्ट फैब्रिक होता है उसमें आप ये डिज़ाइन बना सकते हैं। तो इसे हम इस तरीके से रख लेंगे और यहाँ पर आप पिन लगा लें और इसे प्रेस से अच्छे से चिपका लें या फिर आप इसे सिलाई लगा कर भी अटैच कर सकते हैं। ये देखिए मैंने गोल्डन फैब्रिक पर इसे चिपका लिया है और अब हमें इसे कट कर लेना है इस तरीके से। एक्स्ट्रा फैब्रिक जितना भी है उसे हमें कट कर लेना है और एक एक सिलाई हम ये जो डिज़ाइन है इसके ऊपर लगा लेंगे ताकि अच्छी तरीके से ये बैठ जाए, निकले ना ये पेपर पेस्टिंग हमारा। और अच्छे से दोनों तरफ से आपको फिनिशिंग से सिलाई लगा लेनी है कॉर्नर की। एक तरफ मैंने लगा ली है, इसी तरीके से हम दूसरी तरफ भी लगा लेंगे। अब देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पर इसका सेंटर मार्क करना है। इसे बराबर से करते हुए आप अच्छे से इसका सेंटर मार्क कर लें इस तरीके से। ऊपर और नीचे मैंने एक छोटा कट लगा लिया है। ये देखिए बीच में जो क्रीज बनी है उस लाइन को आपको सीधा कर लेना है। इसके बाद हमने यहाँ पर अस्तर वाला फैब्रिक लिया है और मेन फैब्रिक को इस तरीके से रखेंगे। अच्छे से आप हाथ से फिनिशिंग कर लें और इसे चारों तरफ से हम सिलाई लगा कर कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए हाथ से आप फिनिशिंग करते जाएं ताकि अंदर की तरफ कोई भी सलिया क्रीज ना आए। सिलाई लगाकर मैंने इसे कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हमें इसका जो साइड में एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो कट कर लेंगे। ये देखिए ऊपर से भी इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेंगे और यहाँ पर हमें इस ब्लाउज़ का भी करना है सेंटर मार्किंग। पहले आप इसे अच्छे से बराबर कर लें और इसके बाद देखिए इस तरीके से हमें इसे उल्टा रखते हुए और यस्तर वाले पार्ट पे हम सेंटर मार्क करेंगे। ऊपर और नीचे एक छोटा कट बनाने के बाद क्रीज बनाएं और ये क्रीज पे आपको यहाँ पर सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। उसके बाद हमारा ये जो पार्ट है हम इस पर रख कर सेंटर मार्किंग से सेंटर मार्किंग मिलाते हुए सीधी तरफ एक रफ स्टिच लगा लेंगे। ये देखिए मैंने एक सीधी सिलाई लगाकर इसे कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हम साइड से सिलाई लगाकर इसे कंप्लीट करेंगे। अब इस तरफ भी हम सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से। ये देखिए यहाँ पर मैंने इस पर सिलाई लगाकर इसे कंप्लीट कर लिया है और एक पैर का मार्जिन रखते हुए बाकी फैब्रिक हम कट कर लेंगे इस तरीके से। ये देखिए यहाँ पर एक्स्ट्रा फैब्रिक जो भी था हमने कट कर लिया है। इसके बाद पूरे ही नेक पे हमें कट लगाने हैं, डिज़ाइन वाला जो पार्ट है उस पर कट लगाने हैं आपको छोटे छोटे, और इसे आपको सीधी तरफ फोल्ड कर लेना है। देखिए इस तरीके से सीधी तरफ आप इसे फोल्ड कर लें। इस तरीके से आपको फोल्ड कर लेना है इसे। फोल्ड करते हुए हम यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे।
ये देखिए इस तरीके से सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए सिलाई लगाकर हमने इसे कंप्लीट कर लिया है दोनों ही पार्ट को। और अब इसमें लगानी है हमें पाइपिंग। तो देखिए ये मैंने 1.25 इंच की पट्टी ली है, उसे हम एक तरफ से फोल्ड कर लेंगे पाइपिंग बनाने के लिए। तो मैंने इसे फोल्ड कर लिया है और अब हम पट्टी को सीधा रखेंगे और ये पार्ट को हम इस तरीके से रखेंगे। तो यहाँ पर जितना भी मोटा आपको पाइपिंग निकालनी है उतनी गैप देकर आपको सिलाई चलानी है। तो मैं यहाँ पर एकदम पतली पाइपिंग निकालूंगी, इसलिए मैंने जो सिलाई पहले लगाई थी इस पर फिनिशिंग की, उसी सिलाई के ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से हमें सिलाई लगा लेनी है। और अब हम इसे अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पर जितनी मोटी पाइपिंग हमें निकालनी है उतनी पाइपिंग रखते हुए हम बाकी कपड़ा अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे और ऊपर कॉर्नर की सिलाई लगाकर फिनिशिंग से इसे कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से बहुत ही इजी तरीके से यहाँ पर ये पाइपिंग बन जाती है। और इसी तरीके से हम दूसरा वाला पार्ट पे भी पाइपिंग लगाकर कंप्लीट कर लेंगे। देखिए हमने यहाँ पर दोनों ही पार्ट तैयार कर लिए हैं और एक तरफ मैं लगा रही हूँ गोल्डन लेस। इस तरीके से हमें यहाँ पर लेस लगाकर कंप्लीट कर लेना है और दूसरा वाला पार्ट भी इसी तरीके से तैयार करेंगे हम। तो मैंने यहाँ पर देखिए दोनों ही पार्ट पर लेस लगाकर इसे कंप्लीट कर लिया है। और इसके बाद ये गोल्डन फैब्रिक मैंने लिया है और यहाँ पर ये जो बीच का पार्ट निकला था हमारा पेपर पेस्टिंग का, उसे आपको इस तरीके से रख लेना है और ऊपर नीचे से बराबर से कट कर लेंगे। साइड से हम 1 इंच बढ़ाकर कट करेंगे दबाव देने के लिए, क्योंकि इसे हम अटैच करेंगे। और इसे डबल फोल्ड करते हुए इस तरीके से आप शेप बना सकते हैं या फिर आप इसे सीधा भी अटैच कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये अस्तर वाला फैब्रिक मैंने लिया है, इसके ऊपर हम इसे रख कर सिलाई लगा लेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करके हम इसे अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। कट लगा लेने हैं आपको यहाँ पर। अब इसे अंदर की तरफ फोल्ड कर लें इस तरीके से और कॉर्नर की सिलाई यहाँ पर आप लगा लें। एक्स्ट्रा फैब्रिक जो भी है उसे हम कट कर देंगे। इसमें लगाने के लिए हम पाइपिंग लगाएंगे इस तरीके से। देखिए और इसे अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर भी हमने पाइपिंग लगाकर इसे कंप्लीट कर लिया है। और इसके बाद ये मैंने फैब्रिक लिया है, इसका हमें बो बनाना है। तो इस तरीके से आप फैब्रिक को सिलाई लगा लें और इसे सीधा कर लें। सीधा करने के बाद हम इसमें सेंटर में एक सिलाई लगा लेंगे प्लेट्स डालते हुए। तो इस तरीके से हमें प्लेट्स डाल लेनी है और इसे बो का लुक दे देना है। ये देखिए और मेरे पास ये डायमंड वाली लेस है, तो वो हम इसके ऊपर रख करके अटैच कर लेंगे इसे। आप इसे सुई धागे से टक कर सकते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पर इसे सुई धागे से टक करके पक्का कर दूंगी इस तरीके से। आप बीच में कोई भी कुंदन या कोई भी बटन आप लगा सकते हैं अपनी पसंद से।
अच्छे से आप इसे पक्का कर लें और इस बो को हम इसके ऊपर अटैच करेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमें लगाना है यहाँ पर इसे। अब इसे साइड से सिलाई लगाकर हम कंप्लीट कर देंगे। तो ये सेंटर का डिज़ाइन हमारा रेडी हो गया है इस तरीके से। और इसके नाप कर आपको यहाँ पर मार्किंग कर लेनी है इस तरीके से। अब इन दोनों पार्ट को आप इसके ऊपर रखकर सेट कर लें और पिन लगा लें। अच्छे से आपको इसे बराबर कर लेना है। अब हम इसे अटैच कर लेंगे इस तरीके से। अटैच करते टाइम आप मशीन से इसे पक्का ज़रूर कर लें। ये देखिए डिज़ाइन हमारा बनके रेडी हो गया है। और अब हम इसमें प्लेट्स डाल लेंगे। तो वो आपको देखिए सबसे पहले दोनों पार्ट को बराबर करके सेंटर मार्क करना होता है। उसके बाद एक पार्ट को उठाकर आप इस तरीके से रखें सेंटर मार्किंग में और यहाँ पर आप इस तरीके से सिलाई लगा लें। नीचे की तरफ कमर पट्टी लगानी है तो वो हमने 1.5 इंच चौड़ाई में ली है और उसे एक तरफ से फोल्ड कर लिया है और इस तरीके से आपको लगा लेना है। एक सिलाई हम पट्टी को इस तरफ करके पट्टी के ऊपर लगाएंगे। अब ऊपर फिनिशिंग से आपको सिलाई लगानी है इस तरीके से। और ये जो सेंटर वाला पार्ट है वहाँ पर हम छोड़ दें और अंदर की तरफ तुरपाई कर लें उत्ते पार्ट में, क्योंकि गोल्डन फैब्रिक है यहाँ पर, सिलाई हमारी दिखेगी तो अच्छा नहीं लगेगा। आप इसमें अंदर की तरफ तुरपाई कर सकते हैं। और ये पार्ट हमारा बनकर कंप्लीट हो गया है। अब ऊपर की तरफ मैं यहाँ पर डोरी लगाऊंगी। तो ये मैंने इसी फैब्रिक की लटकन बनाई हुई है नीचे की तरफ और ऊपर से 2 इंच छोड़ते हुए हमने मार्क किया है और इस डोरी को हम लगा लेंगे। तो ऊपर शोल्डर के यहाँ से 1.5 इंच या 2 इंच का आप गेप छोड़ते हुए ही डोरी को लगाएं, एकदम बहुत ज़्यादा ऊपर भी नहीं लगानी होती है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो डिज़ाइन है वो बन करके कम्प्लीट हो गया है। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।